हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है शुभम ट्यूटोरियल्स में। ये भेल देख रहे हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी है ये कुरमुरा भेल। हमने आज ये सारे भेल और सेब हमने दोनों ही घर पर बनाए हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको हमारी ये रेसिपी समझ में नहीं आएगी ज़्यादा अच्छे से। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमने ये रेसिपी कैसे बनाई। तो यहाँ पर मैंने ये सेब बनाने के लिए 100 ग्राम बेसन लिया है। फिर यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी 1/4 चम्मच ली है काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर लिया है, और लिया है थोड़ा सा हल्दी, और मैं लूँगी थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। फिर मैंने ये नमक डाल दिया है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। फिर मैं ये हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका घोल बना लेंगे। एक ही बार में पानी नहीं डालना है, वरना हम लोग का घोल अच्छी तरीके से बन नहीं पाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अभी हमारा ये बैटर बन करके तैयार हो चुका है। हमने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी ही रखी है, क्योंकि हम ये भेल वाला बनाएंगे हम लोग सेब, इसके लिए हमने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी ही रखी है। यहाँ पर मैंने ये सेब बनाने के लिए थोड़ा मोटा साँचा लिया है, जिसमें ज़्यादा थोड़ा बड़ा होल है, इसी में हम सेब बनाएंगे। तो अभी मैं ये बैटर पूरा भर दूँगी इस साँचे में और फिर हम इसे फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था, अभी मैं इसे छान दूँगी जो हमने बैटर बनाया था। तो देखिए हमारा अच्छी तरीके से कितनी निकल चुका है ये बैटर, बहुत ही अच्छी तरीके से निकल चुका है। अभी मैं इसे फ्राई कर दूँगी अच्छे से। देखिए अभी मेरा सेव अच्छी तरीके से बन चुका है, अभी मैं इसे निकाल लूँगी। तो देखिए अभी मैंने ये दूसरे शेप का साँचा लिया है, अभी मैं इससे सेव बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा तेल पहले ही गर्म था, तो देखिए कितना ये जाड़ा जाड़ा निकल रहा है अच्छी तरीके से। अभी मैं इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर दूँगी। तो देखिए अभी हमारा ये सेब बन करके तैयार हो चुका है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितनी अच्छी तरीके से ये फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसे निकाल दूँगी। तो देखिए अभी हमने ये दोनों सेब के बना लिए है अच्छी तरीके से। अभी मैं मूँगफली फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये 1 प्लेट मूँगफली ली है लगभग, और फिर मैं इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर दूँगी। तो देखिए अभी हमारा मूँगफली भी फ्राई हो चुका है, हमने इसे भी निकाल दिया है। अब हम भेल बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये भेल बनाने के लिए लाई लिया 1 प्लेट, और फिर मैंने थोड़ी सी करी पत्ता ली है, और मैंने ये लिया है मिर्ची, हरी मिर्ची काटी हुई, और ये मैंने लिया है हल्दी। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी करी पत्ता डाली है और मिर्ची डाली है जो हमने काटी थी, उसे मैंने फ्राई कर लिया है। अभी मैंने ये हल्दी पाउडर डाला है थोड़ा सा, और फिर मैं इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी थोड़ा। तो देखिए अभी मैंने ये मिक्स कर लिया है, अभी मैंने ये कुरमुरा डाल दिया जो हमने लिया था। अभी मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी कि हल्दी इसमें लग जाए पूरा। तो देखिए अभी मेरा ये लाई अच्छी तरीके से भेल पक चुका है, अभी मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। तो देखिए अभी हमने भेल निकाल लिया है, ये हमने जो सेब बनाए थे मोटे मोटे वाले, उसे मैं थोड़ा तोड़ तोड़ करके इसमें मिक्स कर दूँगी, और ये मैंने थोड़ा जो पतले वाले बनाए थे, और ये मैं मूँगफली डाल दूँगी अभी, और इन सबको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ चाट मसाला, उससे टेस्ट बहुत ही चटपटा और बहुत ही अच्छा लगता है हमें खाने। मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी, ये हम अभी खाएंगे इसीलिए हम अभी धनिया डाल रहे हैं। अगर हम इसे सफ़र में लेकर के जाना होगा कहीं बाहर बाहर, अब पिकनिक जा रहे हैं, अगर हमें ये लेकर के बना करके जाना है तो फिर हमें इसमें धनिया का नहीं यूज़ करना है, वरना हमारा कुरमुरा जो हमने बनाया है भेल वो नरम हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा धनिया की वजह से। तो देखिए अभी हमारा ये कुरमुरा भेल कितनी अच्छी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है ये। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी है, और आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे सारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।